जनपद मुरादाबाद में आपराधिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों की अब खैर नहीं है। जनपद मुरादाबाद में पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग आपराधिक क्षेत्रों से जुड़े हैं उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए काम भी किया जा रहा है। मुरादाबाद के सभी थाना क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जा रहा है और ज्यादातर जो लोग आपराधिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए काम किया गया है। समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। सभी का ये कहना है कि अपराधियों की खैर नहीं है और देश और प्रदेश के साथ साथ शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे, जिसको लेकर पुलिस काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में पुलिस ने अपराधियों की संपत्ति को किया जब्त। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के आदेश पर मुरादाबाद जनपद पुलिस ने आज ऐसे 7 अपराधियों पर शिकंजा कसा है, जिन पर शहर और देहात क्षेत्र के अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुकदमा दर्ज थे। इन सभी अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई है। इनकी कुल 1,13,35,000 की संपत्ति को जब्त किया गया है। इन सभी पर जनपद के शहर और देहात थाना क्षेत्रों पर मुकदमा दर्ज थे, जिन पर आज ये बड़ी कार्यवाही हुई है। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने जानकारी देते हुए बताया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार ये अभियान चलाया गया है। सभी शातिर अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के दिशा निर्देशन में लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमे भी कई अपराधियों के विरुद्ध लिखे गए हैं। इसमें अब तक कुल 1,13,35,000 की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाएंगी इन अपराधियों के विरुद्ध। सर, कौन कौन अपराधी है, किस थाना क्षेत्र के? इसमें शहर और देहात दोनों क्षेत्र से इसमें अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ की गई हैं। मैना ठेर में इमरान उर्फ चटवा, जाने आलम मोहम्मद आलम, कलवा उर्फ आरिफ और थाना काट में फहीम उर्फ पीडीएम और थाना पागवाड़ा में तालिब पुत्र बाबू व सलमान पुत्र नजरुल, जो दोनों थाना पागवाड़ा के रहने वाले, इन सभी के विरुद्ध ये सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं और लगातार मुरादाबाद पुलिस का इन अपराधियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है।